वेलकम टुडे क्लास। हमने जब कहा जहां पे कल डिस्कशन क्लोज किया तो उसी के आगे हम डिस्कस करेंगे। कल एक्सरसाइज हम लोग 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट डिस्कस किए थे। इसमें दो पार्ट्स बचे हैं, आज वो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 भी कुछ हद डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं इस एक्सरसाइज में हमारे पास पहले 6 क्वेश्चन बताता हूं। इन दिस क्वेश्चन 6 पार्ट देखिएगा, थर्ड का 6 पार्ट। यहां पर आपको फाइंड क्या करना है, द प्रेजेंट एज आर देयर प्रेजेंट, यानी यहां पे जैकब है और उसका सन है, इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करिए। लेट जैकब्स प्रेजेंट एज बी एक्स एंड सन्स प्रेजेंट एज बी वाई। समझ में आ रहा है, दोनों की एज को मैंने क्या किया, लेट कर लिया, जैके पेज को एक्स और सन के एज को वाई। 5 ईयर हेंस यानी 5 साल बाद, जैसे आपकी एज प्रेजेंट टाइम में सपोज दैट 15 ईयर्स है, आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगी, 15 प्लस 5 यानी कि 20 ईयर्स, और आपके फादर की एज मान लीजिए 40 है तो 5 ईयर बाद 45, यानी दोनों की एज में 5 ऐड होगा। ठीक है, 5 ईयर हेंस 5 साल बाद, देखिएगा 5 ईयर हेंस, देखिए जैकब की एज एक्स की और इसकी वाई, 5 ईयर हेंस यानी +5 एंड +5, क्लियर। 5 ईयर हेंस यानी 5 साल बाद एज ऑफ जैकब विल मतलब इक्वल 3 टाइम्स, यानी कि ये सन की एज थी इसका 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा x + 5 = 3y + 50 x - 3y = 15 - 5 x - 3y = 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये मैंने लिख लिया इक्वेशन फर्स्ट, x - 3y = 10। पहली क्वेश्चन हमें मिली है x - 3y = 10, स्पेस कम होने की मैंने यहां ऊपर लिख दिया, इसको इंडिकेट कर दिया। अब आते हैं 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, यानी कि पहले हमने x + 5 लिया, ये क्या होगा x - 5 एंड y - 5, क्लियर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, हमने बॉक्स में करे इसे आपको क्लियर दिखे। अब क्वेश्चन कर 5 ईयर से गो x - 5 y - 5, जैकब्स एज वाज, वाज का मतलब इक्वल, यहां पर एज हो वाज हो विल हो, यहां इसका मतलब इक्वल, 7 टाइम्स मतलब 7 से मल्टीप्लाई, तो दिस इक्वेशन x - 5 = 7y - 35, x - 7y = -35 + 5। फाइनल इक्वेशन x - 7y = -30, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड, x - 7y = -30, ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन करेंगे, वो भी देखिएगा, यहां तक समझ में आ गया है, एक बार अगेन समझा दो कि आप ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 5 ईयर्स हेंस 5 साल बाद, यानी कि जैकब की प्रेजेंट एज मैंने x मानी है और सन की प्रेजेंट एज y, 5 ईयर्स आफ्टर x + 5 y + 5, जैकब विल बी 3 टाइम्स, विल का मतलब इक्वल 3 टाइम्स, इसको सिंप्लीफाई किया फर्स्ट इक्वेशन, 5 ईयर्स बिफोर या एगो -5 - 7 टाइम्स = 7 टाइम्स, सिंप्लीफाई करके दोनों इक्वेशन हमने फाइंड कर लिए। अब दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन करेंगे हम किस मेथड से, अभी तक इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, अब देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन सामने लिखी हुई है, आप देख भी चुके हैं, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, एक्स इक्वल टू 10 प्लस 3y, क्लियर? पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड है क्या x, x में क्या लिखेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, 3 माइनस 7 माइनस 4y माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40 माइनस 10 से, तो y इक्वल टू क्या आ गया 10, y इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन रख दें, फर्स्ट में रख दिया मैंने x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 30, x इक्वल टू क्या आ गया 40, x किसकी एज थी जैकब की, यानी जैकब की एज क्या आ गई बी 40 इयर्स। और उसके सन की एज 10 इयर्स, क्लियर है? 10 इयर्स हो गई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है? ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, थर्ड का, सिक्स पार्ट का। जैकब की एज क्या आ गई 40 इयर्स और सन की एज 10 इयर्स, इसका सोल्यूशन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखिएगा यहां पे क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर, इसको मैंने एक्स अपॉन वाई लेट कर दिया। अब देखिएगा अब फ्रैक्शन बिकम, मतलब बिकम मतलब इक्वल, 9/11 क्या हो जाता है 9/11। इफ टू इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, हम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मेरे पास एक्स था, डिनोमिनेटर क्या था वाई, दोनों में क्या करते हैं टू एड करते हैं, तो हमारे पास आ गया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 11 इंटू एक्स प्लस टू 9 इंटू वाई प्लस टू, 11 x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, क्या की वैल्यू माइनस 4, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, यहां मैंने लिख दिया 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगेन आपसे फिर कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ, अगर हम दोनों में 3 ऐड कर दें, इसका मतलब x प्लस 3 एंड y प्लस 3, इट बिकम्स 5/6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6x प्लस 3 इक्वल टू 5y प्लस 3, 6x प्लस 18 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड, 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3,
देखिएगा यहां पर हमने लेट क्या किया था, फ्रैक्शन, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना, फाइंड द फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, तो न्यूमरेटर को मैंने एक्स लेट कर लिया, डिनोमिनेटर को वाई, हमने सीधे सीधे लेट फ्रैक्शन भी एक्स अपॉन वाई। क्वेश्चन कह रहा है इफ टू इज एडेड, हमारा फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या था एक्स अपॉन वाई, यहां पर टू एड कर दे एक्स प्लस टू वाई अपॉन टू, इट्स बिकम 9/11। इसके बाद हमने जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, उसे सॉल्व करके क्वेश्चन फाइंड कर दिया 11x-9y = -4। सेम तरीके से इफ थ्री इज एडेड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में थ्री एड किया जाता है बिकम्स 5/6। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमने इक्वेशन सेकंड फाइंड कर ली। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिएगा फ्रॉम किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट 11x = 9y - 4, x = 9y - 4 अपॉन 11, ये x की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसमें रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड, 6x, एक्स की वैल्यू 9y - 4 अपॉन 11 -5y = -3। समझ आ रहा है, अब यहां पर एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 6 into 9y - 4 - 55y upon 11 = -3। अब ये हो जाएगा 6 9 54y - 24 - 55y = -33। 54 - 55 - y - 33 + 24 - y = क्या आएगा, 33 - 24, दिस इज द -9, माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहां से आपको समझ में आ गया y की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब y की वैल्यू यहां रख दीजिए सेकेंड इक्वेशन में, 6x - 5 into 9 = -3, 6x - 3 + 45, 6x = 42, x = 42/6, यानी x = क्या आ गया, 7। x = 7, y = 9, तो आपका जो आंसर है फ्रैक्शन x अपॉन y, x की वैल्यू 7, आपका आंसर आएगा 7/9, दिस इज द आंसर। आपको फाइनल आंसर 7/9 लिखना पड़ेगा, ये समझ में आ गया, क्लियर है। देखिए अब एक्सरसाइज 3.4 भी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, 3.4 और पहला क्वेश्चन आज सॉल्व होगा, उसके बाद और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में होंगे। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट है और क्वेश्चन में गिवन है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, हम इसका फोर्थ पार्ट इसको सॉल्व करेंगे पहले एलिमिनेशन से। देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम क्या आ गया, 6, ये क्या होगा 3x + 4y = -1, दिस इज 3x + 4y = -6, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहां पर भी हम एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3x - y = 3, ये आपके पास हो जाएगा 3x - y = 9,
देखिएगा थोड़ा सा, 3x - y = 9, ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई, सेकेंड। हम दोनों इक्वेशंस को लिख लिए, देखिए अभी हम इससे पहले जब एलिमिनेशन पढ़ा रहे थे, एलिमिनेशन मेथड्स मैंने आपको बताया था, आपको पहले डिसीजन लेना पड़ता है कि एक को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, किसी एक को, चाहे एक्स को एलिमिनेट करिए चाहे वाई को। सपोज दैट मैं इसी को दो, इसी क्वेश्चन को दो मेथड, दो तरीके समझा रहा हूं। सपोज दैट पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि हमने डिसाइड किया हम एक्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं। जब एलिमिनेट जिसको करना चाहते हैं, पहला काम ये करते हैं दोनों कोफिशियंट हम इक्वल करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, कोफिशियंट्स आर इक्वल, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ कोफिशियंट्स आर इक्वल, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं अगर दोनों किसी साइन सेम है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में लिखाया उसको कागज देखिएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा, जब मैंने एक दिन आपको केवल एलिमिनेशन मेथड डिस्कस किया तो उसमें बताया है जब दोनों सेम साइन होंगे क्या होंगे, जिसको एलिमिनेट करना है उसकी बात कर रहा हूं, जब सेम साइन होंगे तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, और अपोजिट साइन होने पर आपको हमने कहा था एड करना है। इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां लिख देंगे इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, वैसे वर्ड लिखिएगा इक्वेशन टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन क्या हो जाती है, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, और ये प्लस से ये क्या हो गया माइनस। देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल, 4y + y 5y, -9 - 6 - 50, क्लियर। तो ये आ गया y = -15/5, y = क्या आ गया -3, y = -3। सेम तरीके से y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, 3x, 4y की वैल्यू -3 - 6, दिस इज 3x - प्लस माइनस के इंटू माइनस, 4 × 3 = 12 = -6, 3x = -6 + 12, 3x = 6, x = 6/3, आपका क्या आ गया x = 2, समझ में आ गया। हम इसी क्वेश्चन में जैसे अभी मैंने बताया आपको, हमने x को एलिमिनेट कर लिया था, अब हमारा मन कर रहा है y को एलिमिनेट करने का, किसको कर रहा है y को, तो क्या ऐसे प्रोसीजर होगा ये देखिएगा, अब ये देखिएगा 3x - y = 9। अब ये देखिएगा हम यहां y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, किसको करना चाह रहे हैं y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो y के लिए दोनों कोफिशियंट बराबर करने पड़ेंगे, इसका कोफिशियंट क्या है 4, साइन से कोई मतलब नहीं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशियंट 1, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 से करेंगे आपका इक्वेशन आ जाएगा 3x + 4y = -6, 4 × 3 = 12, 4y, 4×9 = 36, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकेंड। यहां दोनों इक्वेशन क्या करेंगे हम ऐड, क्योंकि जिसको एलिमिनेट करना है उनके साइंस क्या है अपोजिट है, जब ऐड करेंगे तो ये 15x ये कैंसिल = 30, x = 30/15, x = क्या आ गया 2, x = 2। अब x की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पुट किया 3 × 2 + 4y
इक्वल टू माइनस सिक्स, फोर वाई इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस सिक्स, फोर वाई इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, वाई इक्वल टू क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस थ्री। आंसर आपको वही आएगा चाहे जिस मेथड से सॉल्व करिएगा। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। हाँ, इससे पहले की एक्सरसाइज में मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट को दोनों मेथड से सॉल्व करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम में होते हैं उसको आप पूछिएगा, उसको डिस्कस करेंगे। नहीं तो इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है और भी क्वेश्चन है, छह से सात क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए ही इतना है, और हो सकता है इस वीक हम आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि टारगेट हमारा बना है इस चैप्टर को कंप्लीट करना जल्द से जल्द। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।